है दांत का उल्टा चश्मा। जगह है? हाँ है, आ जाओ बैठ जाओ। किधर है जगह? जब दिख रहा है ना जगह नहीं है फिर भी पूछते हैं। तो ठीक है ना, इसमें इतना भड़क क्यों रहे हो? अरे जगह नहीं है, आगे बढ़ो। ए भाई, ओ अय्यर भाई, आगे बढ़ो। मतलब कहने का मतलब है दूसरी रिक्शा में बैठो। हाँ चलिए आप चलिए। अरे वाह, इसमें दो ही लोग हैं। हाथी भाई। क्या हाथी भाई, रिक्शा में तीन लोग बैठते हैं ना। हाँ, पर यहाँ तीन लोगों के बैठने की जगह कहाँ है? जाओ दूसरी रिक्शा में बैठो। ये दूसरी है। अरे तो तीसरी में बैठो। भिड़े, तेरा मैनेजमेंट ही गलत है। माजा का संबंध? तुझे मुझे पहले से ही ऐसे ऑटो में बिठाना चाहिए था जिसमें दो लोग बैठे हो। अरे लेकिन तुम्हें ट्रिपल सीट जाना ही क्यों है भाई? मेरे साथ चलो, हम दोनों आराम से जाएंगे। दो जन में किराया ज्यादा शेयर करना पड़ता है। तीन जन होते हैं तो शेयर कम आता है ना। तो हम भी तो तीन लोग हैं ना। तीसरा ऑटो वाला, उसे शेयर मांग लेंगे। ये अरे तुम कितना सोचते हो पोपटलाल भाई, भाड़ा मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो। अरे ऑटो, गाड़ी की वजह से किधर फंस गया हमने? क्या कुछ नहीं, कंफर्टेबल ना? मैं कंफर्टेबल नहीं है। अरे इतना जगह दिया फिर भी बोल रहे कंफर्टेबल नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है। एक काम करो, तुम मेरा जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा जगह पर बैठता है। अरे नहीं नहीं, आपकी जगह कौन ले सकता है? हाथीपुरा, वो पीपल का पेड़ तो ये रहा, और सुखी ने कहा था पीपल के पेड़ से थोड़ा पहले, इसका मतलब है हम थोड़ा आगे आ गए हैं, हमें पीछे जाना चाहिए। नहीं सॉरी, पीपल के पेड़ के पहले मतलब सुखी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल के पेड़ के पहले, इसका मतलब हमें और आगे जाना चाहिए। और ये भी करेक्ट है। हाँ। ओ, हटा ले भाई साहब, चलो आगे चलो। आगे लो, आगे लो। अरे यहाँ इसके शेर को तो लेना है। या? अरे आप डरिए मत, ये प्यार से अपनी गड्डी को शेर बुलाता है। तो पहले बोलने का ना मुझे। सॉरी सॉरी, चल सॉरी। मेरे शेर से डर गया। ये लीजिए। आज जी आओ। बार 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 बार। ओए मेरे शेर, मेरे लाडले, मेरे पुत्र, वो की हो गया तेनु? ओए सुखी, सुखी कितने है? आ थोड़ी। ओए यारो, तो मेरा दोस्त सुखी नहीं दिख रहा। अरे तेरे शेर को जंगल में अकेला छोड़कर कहीं घर तो नहीं चला गया? नहीं नहीं चिटापरा, केहो जी गल्ला कर रहे हो? अगर वो ऐसा करता तो मुझे फोन करके जरूर बताता। तू एक सेकंड, मैं फोन करके पूछता हूँ ना कितने वो। चलो गाड़ी के नीचे तो नहीं? नहीं, 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 नहीं फोन कर, फोन नहीं, 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 नहीं। ओ, सुखी तू कितने? गड्डी के पास। के पास? गड्डी के पास है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पीछे मुड़ के देखो। अरे इतने आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आइए आइए। तू उठे क्यों कर रहे थे? वो हल्का होने गया था। तो कमाल है, ऐसे रास्ते के बीच तू मेरे शेर को कल्ला छोड़ के चला गया। ओ भाई, तेरे शेर ने मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। ये सब मैकेनिक है? नहीं नहीं, ये मैकेनिक नहीं है, ये सब मेरे गोकुलधाम परिवार के सदस्य हैं, मेरे यार हैं। तूने फोन पे कहा था ना चार पांच बंदों को साथ ले आना, तो गड्डी को धक्का मारना पड़ेगा, तो मैं अपने यारों को साथ ले आया। ले चाबी दे। अब भी शुरू हो जाएगा मेरा शेर, तू देख। मेरे गुरु हो जा शुरू। एक बारी हीटर देके दिखता। अरे क्या नाराजगी है भाई, एक सेकंड छोड़ो उनको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जिसका काम वो करेगा। अय्यर भाई,
पिक्चर देख रहा है ना वो। ओ यारो, हाँ। तो मेरा शेर जो है ना ठंडा पड़ गया, तो मारेंगे ना तो उसमें गर्मी आ जाएगी, तो फिर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। चलो चलो यारो, धक्का मारते चलो। ओए छोटी भाई, मैं निकलता हूँ। अरे तुसी जा रहे हो? जी छोटी, इसमें जाने दो। कमाल है, हमें यहाँ धक्का मारने के लिए बुलाया, ये खुद धोखा देके जा रहा है। ओ नहीं नहीं पिड़ू, वो कोई धोखा वोखा नहीं दे रहा है, दरअसल रात भर बैठ के इसको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। किसको दिखाने के लिए? अरे चेटापरा, आज जो डील फाइनल हुई है ना, वो सुबह 9 बजे उनके साथ मीटिंग है, वही प्रेजेंटेशन वो रात भर बैठ के तैयार करेगा। ओ नहीं नहीं, फिर आप निकलो, भीड़ जाने दो जाने। मैंने कहा रोक के रखा है? नहीं तो आता बोला था ना, कहे थे धक्का न धोखा न ते कहे। वो तो मालूम नहीं था ना प्रेजेंटेशन, अभी पता चल गया है। अभी जाए ना। जाओ जाओ सुखी रहो। सुखी जाओ भाई ऐसा। ओके ओके, अच्छा से बनाना सब वो। अच्छा चलो यारो, धक्का मारते। चलो चलो भाई चलो। एक मिनट, मेरे शेर। यार बंद हो गए। चलो फिर से फिर से। चलो भाई चलो, हिम्मत ना हारो, चलो मारो मारो। और जोर से। पॉइंट लात नहीं है, हो गई बोलना बंद करो भाई। भाई मेरे बोलने की वजह से थोड़ी बंद हो रही है। अरे भाई दोनों पर ऐसा ही हुआ, मस्त है, गड्डी चालू हो गई थी, तुमने बोला हो गई बंद। ठीक है तो मैं नहीं बोलता। हाँ अभी अभी कुछ बोलो ही मत, कुछ बोलो ही मत तो। ओके चलो 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 चलो, बिना कुछ बोले तुम खाली धक्का मारो। चलो रेडी है छोटे? आजी आजी रेडी रेडी। चलो ऑन द वे, ऑन द वे, लगाओ लगाओ चलो। हाँ अभी अभी बोलना नहीं बोलना। तो कड़ा चिपा आओ जाओ। देखा देखा, इस बार मैंने नहीं बोला चालू हो गई हो गई हो गई। अरे क्यों बोला पोपटलाल? ओ यारो, ओ मैंनू लगता है कि मेरा शेर कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया है, अब धक्का मार कर ही लेकर जाना पड़ेगा घर तक। हाँ हाँ, गाड़ी शुरू नहीं हो रही तो क्या कर सकते, धक्का ही मारना पड़ेगा। चलो चलो धक्का मारो, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। हाँ हाथी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें इस गड्डी को धक्का मारकर सोसाइटी तक पहुंचा ही देना चाहिए। चलो 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 ना यार, एक मिनट बोले चालू हो गई थी यार, हो गई यार, उन्नति लगा दिया। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप, चलो चलो। ओ यारो रेडी? राती भाई उतरो। मैं नहीं उतरने वाला। क्यों? मैंने पहले ही कहा था ना, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अच्छा तो तभी आप बहाना नहीं बना रहे थे? अरे बहाना क्यों बनाऊंगा, सच में मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। लेकिन आप तो डॉक्टर हो। तो डॉक्टरों के पैरों में दर्द नहीं होता? नहीं नहीं, भिड़े का कहने का मतलब ये है कि आप डॉक्टर हैं तो आप अपने आप को चेक करके फटाफट इलाज कर दो। ओ यारो, पर हाथी प्राणू छोड़ो तो मेरे शेर को धक्का मारो, चेती चेती। अरे भाई छोटी, शेर और हाथी दोनों को कैसे धक्का मार सकते हैं? शेर को अलग और हाथी को अलग धक्का मार सकते हैं, लेकिन अभी शेर पे हाथी बैठा है यहाँ पे। भिड़े मास्टर, सॉरी सॉरी, वो मजाक कर रहा था हाथी भाई। अभी मजाक बंद करो और गाड़ी को जल्दी धक्का लगाओ, घर पहुंचना है ना। चलो भाई जोर चलो, लगा चलो, के कितनी देर हो गई इन लोगों को,
आई रियली होप कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई हो. डोंट वरी रोशन भाभी, आ जाएंगे वो लोग. पर अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई होती तो अब तक वो लोग आ गए होते. कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी को धक्का मारकर ला रहे हैं? हाँ, एक बार ऐसे पहले भी हुआ था जब सोडी अंकल हमको ढाबे पर खाना खाने लेकर गए थे, तब भी गाड़ी बंद हो गई थी. और तब भी गाड़ी को धक्का लगा के लाना पड़ा था. हाँ, और तब भी ऐसे ही लोग परेशान हुए थे. हाँ, कम ऑन एवरीवन, रिलैक्स. हंस है ना उनके साथ, वो अकेले ही काफी है गाड़ी को धक्का मारने. मैं रोशन को फोन करके पूछती हूँ कि वो लोग किधर है. सोड़ी, तुम्हारा फोन बज रहा है. मैं नहीं सुनिया. अरे हम सबने सुनिया भाई, फोन बज रहा है तुम्हारा. अरे पिड़ू, मैं गाड़ी चलाते समय फोन नहीं उठाता. अरे भाई, लेकिन गड्डी तू का हम लोग चला रहे. हाँ, गड्डी नहीं, हाथी गाड़ी. मेरे मास्टर, सब सुन रहा हूँ मैं. हमारे हाथी भाई के भी कान बड़े है. ये भी सुना. अरे हाथी भाई सॉरी, अभी आप आगे देखो, एंजॉय करो ना. राइट, जोर लगा के आयशा, 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 दम लगा के आयशा. अरे मैं भाग रहा छोड़ के. अरे मैं चढ़ के नहीं जा रहा, मेरा चप्पल निकल गया था. अरे तो जूता पहन के आना चाहिए ना यार भाई. ओए जयदलाल, मैं क्या प्रोफेशनल धक्का मारने वाला हूँ जो पूरा तैयारी करके आएगा? और सोडा पीने के लिए मैं जूता पहन के क्यों आएगा? चला नीगा. एक काम करो यार भाई, अभी दोनों चप्पल निकल के गड्डी में रख दो और ऐसे नंगे पाँव चलो तो टेंशन ही नहीं ना चप्पल निकलने का. जयदलाल तुम अपना काम करो, तुम अपना धक्का लगा. हाँ चलो चलो. हाँ चलो, पहुँचना है ना. चलो 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 चलो. क्या हुआ तुम्हारा? अरे फोन आया, मैं फोन निकालने गया तो गिर गया और स्विच ऑफ हो गया. अभी स्विच ऑन ही नहीं हो रहा है. ला देखूं. अरे भाई भिड़े, तू ये क्या जेठालाल को फोन दिखाने बैठ गया? जेठालाल फोन बेचता है, रिपेयर थोड़ी करता है. अरे मैंने थोड़ी बुलाया जेठालाल को, खुद से आया ना देखू बोल के. अरे भलाई का जमाना ही नहीं रहा, एक तो मदद करो ऊपर से. मैंने थोड़ी बुलाया. ले भाई पकड़ चल. अरे पोपटलाल चलो. अरे आपको मैं ही दिखता हूँ. पोपटलाल सबको लेकर आओ. चलो भाई, मुकादम चिल्ला रहे. चलो चलो भाई, चलो. जोर लगा के आयशा, दम लगा के आयशा, जोर से बोलो आयशा, मैं नहीं सुनिया आयशा. अरे चल रहे कोई जनसो, पहले फोन उठा नहीं रहे थे, अब फोन बंद आ रहा है. ओ खुदा जी, मने तो बहुत टेंशन था इसे. ऐसे कहाँ गए होंगे जहाँ पर फोन ही बंद आ रहा है. अब्दुल भाई, आपको पता है वो लोग कहाँ गए हैं? हाँ, सोड़ी भाई के दोस्त ने एड्रेस बताया था. हाँ, तो क्या हम सब वहाँ चल के देखे? हाँ, हाँ, चलो ना. जोर लगा के जोर लगा के जडलल, थोड़ा आगे तरकना. अरे इधर और आगे सरका तो उधर से भीड़ गिर जाएगा भाई. अरे तो थोड़ा ऐसा सिकुड़ कर बैठो ना, फैला कर क्यों बैठा है? ठीक है लो. सूट हो गाड़ी ने फिर से खराब हो गई. कुछ नहीं रोशन, वो आज मेरा शेर थोड़ा सा नाराज हो गया. शेर के बहुत बार कान मरोड़े लेकिन शुरू नहीं हुआ.
मतलब? मतलब है कि गाड़ी खराब हो गई है। चाबी से बहुत बार स्टार्ट करने की कोशिश की पर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पर हंस तुम क्यों गाड़ी में बैठे हो? वो हाथी भाई के टायर में दर्द है। मतलब? मतलब मेरे पैरों में दर्द है ना। अरे हाथी भाई आपके तो सिर्फ पैरों में दर्द हो रहा है, हमारे तो यहाँ पैर हाथ कंधा पीठ सब कुछ दर्द कर रहा है। पानी पी लीजिए। थैंक यू अंजलि भाभी। अय्यर भाई हाँ। देता हूँ एक मिनट। किती तो मिलत नाही का? नाही का? ये लीजिए मैं तसा पी लिया बेटा। हाँ पी लिया। अब पड़ो ना मेरे का दो, मैं बाकी है पानी पीने का। उधर क्या पानी बांट रहा है? हाँ हाँ यार भाई बाकी रह गया। भाई छोटी दोस्त अभी बहुत हो गया, अभी ये तू गड्डी बेच दे भाई। ओ जेठा प्रा वो क्यों जिया गल्ला कर रहे हो? वो मैं ये गड्डी को बेच नहीं सकता, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे सोड़ी तुम्हारे जिगर के टुकड़े ने हमारे पैर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका क्या? भाई सोड़ी ये तेरा शेर अभी बूढ़ा हो चुका है, इसको अभी निवृत्त कर दे दोस्त। क्या कर दे? रिटायर कर दे, बदल दे, नई गड्डी ले ले। ओए पिडू, ये सिर्फ गड्डी नहीं है, दिल है मेरा दिल। तो दिल कैसे बदला जा सकता है? क्यों आती ब्रा? हाँ बदला जा सकता है। ऑपरेशन से हार्ट ट्रांसप्लांट तो होता ही है ना। अरे यार मजाक छोड़ो छोटी, तुम्हारी इस गड्डी ने हमें कई बार परेशान किया। आ जोड़ी अभी तेरे को है ना ये तेरा गाड़ी बेच देना चाहिए। अरे क्या बेच देना चाहिए? थैंक यू बाबू। अरे मैं कह रहा हूँ कि बेचने जाएगा तो खरीदेगा कौन? भीड़े अकबर क्यों? मैं क्यों? अरे भाई तुझे पुरानी चीजें बहुत पसंद है ना। पुरानी चीजें पसंद है जेठाला, लेकिन बिगड़ी हुई नहीं। ओए बस करो यारो बस करो, तो थोड़ी सी मदद क्या कर दी गाड़ी को धक्का मार के या लाने में, सब सुनाने लगे। ओए नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। वो एक काम करो, वो गड्डी को तक्का मार के वहीं ले चलो जहां से लेके आए थे। मैं खुद कल्ला तक्का मार के ले आऊंगा। गल करते हैं। तूने अभी बोला ना तुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तो इसमें भी हमारी मदद क्यों चाहिए तुझे? तू कल्ला लेके जा गड्डी और वहां छोड़ के, और वहीं से कल्ला लेके आ। कल्ला तुला? यार क्या बचपना कर रहे हो? अरे बचपना हम नहीं है सोटी कर रहे हैं। मैं तो सब सुना नहीं अभी क्या बोला? देख तो मैं नहीं सुनिया बोल बोल के कितना धक्का मरवाया। मांड मांड धक्का मार मार के इसकी गड्डी को यहाँ तक लेके आए, अभी बोल रहे कि जहाँ से लेके आए वहाँ वापस धक्का मार के लेके जाओ। अरे ऐसा कोई बोलता है? बोला हाँ। हाँ हाँ मैं समझ गया। अरे आप समझ गए लेकिन छोटी नहीं समझ रहा है ना, ये गड्डी बेचने को तैयार ही नहीं है। वो समझ आप लोग नहीं रहे हो, ये गड्डी गड्डी नहीं है, ये शेर है मेरा, लकी शेर।
पर आज तक जब भी इसे जरूरी और बड़े काम के लिए लेके आया हो ना, मेरा काम हुआ है। तो सिर्फ मेरा क्या, वो कोई भी लेकर गया तो उसका काम हुआ है। वो यार सुखी को ही देख लो, उसकी कितनी बड़ी डील हो गई है। गल कर दे यार, बेच दो। सोड़ी की गाड़ी ने लगवाया धक्का, अब होगा हंगामा पक्का। सोड़ी की गाड़ी की वजह से गोकुल धाम वासियों का हाल हो गया है बेहाल। ये गाड़ी को बेच दो, सबके जुबान पर यही है सब। पर सोड़ी के लिए उसकी गाड़ी उसका लकी शेयर। रोशन भाभी की गाड़ी बेच देने वाली बात को भी सोड़ी सुन नहीं रहा। सोड़ी की गाड़ी तो रुक गई, लेकिन गोकुल धाम में हंगामे नहीं रुकने वाले। तो क्या लगता है आपको आगे क्या होगा, ये गाड़ी और कौन कौन से रूप दिखाने वाली है? आपको इतना बता दूं कि इस गाड़ी की वजह से बड़ा धमाका होने वाला है। सोड़ी के इमोशंस की पटरी पर आपके धाकों की गाड़ी चलती रहेगी। और दोस्तों एक विशेष बात, दर्शकों आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी सिख भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। ओए किसी को भी मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, ये रोशन सिंह छोटी कल अपने शेर को साइड में लगा लेगा। ये हुई ना बात, चल मेरा शेर।